हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में न्यूज़ ऑफ द वीक की, क्या कुछ जो है पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल्स में नया आया। तो इस बार जो है हम शुरुआत करते हैं टू व्हीलर्स से। तो टू व्हीलर्स में जो है TVS नई अपाचे लेके आया। दोनों ही बाइक्स का जो है नया वर्जन आया, यानी कि 160 और 180 का एक फेसलिफ्ट आप जो है वो उसे कह सकते हो। प्राइस रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ जो है दोनों ही बाइक्स में इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर हम चेंजेस की बात करें तो हमें न्यू LED टेल लैंप्स नज़र आए हैं और LED हेड लैंप्स नज़र आए हैं। पावर फिगर्स की अगर हम बात करें तो पावर फिगर्स में बिल्कुल चेंज आया है। 160 में जो है आपको 16 PS की पावर मिलती है और वही 180 में जो है आपको ऑलमोस्ट 17 PS की पावर मिलती है। वही अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़ी रिलेटेड बातें करें तो वहाँ पे जो है हमें नए मोड्स नज़र आए हैं, यानी कि 3 मोड्स आपको अब देखने को मिलेंगे। और अगर बात करूँ तो वहाँ पे हमें अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। अब शुरुआत करते हैं गाड़ियों की, यानी कि शुरुआत करें अब अगर हम महिंद्रा से, तो महिंद्रा ने अपनी लॉन्च कर दिया है महिंद्रा XUV400, जो कि एक XUV300 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। गाड़ी जो है बिल्कुल XUV300 पे बेस्ड है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम चेसी है, सिर्फ जो है फ़र्क है वो है एक इलेक्ट्रिक का। XUV400 एक फुली इलेक्ट्रिक कार है जो कि ऑलमोस्ट रेंज निकाल पाएगी 456 किलोमीटर की। हालांकि अभी ये ARAI रेंज है, एक्चुअल रेंज यानी कि प्रैक्टिकल रेंज जो है वो बाद में ही पता लगेगी जब गाड़ी जो है रोड पे आई। प्राइसिंग जो है अभी गाड़ी की नहीं आई है। और वही अगर डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो बाहर से हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज ट्रीटमेंट उसमें नज़र आएगा। ग्रिल पे बात करें, लोगो जो है ब्रॉन्ज कलर में बनाया गया है और थोड़े बहुत ब्रॉन्ज एलिमेंट्स भी उसमें नज़र आएंगे। बाकी चीज़ें जो है डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं XUV300 से, सेम अलॉय व्हील्स आपको नज़र आएंगे और डोर्स पे भी थोड़ा थोड़ा जो है आपको ब्रॉन्ज एलिमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ सिल्वर या फिर क्रोम एलिमेंट्स है वहाँ पे अब जो है ब्रॉन्ज एलिमेंट्स कर दिए हैं। अगर लेंथ की बात करूँ तो ये अब 4.5 मीटर से जो है ऊपर हो चुकी है। XUV300 जो थी वो 4 मीटर के अंदर अंदर उसकी लेंथ थी, तो ऑलमोस्ट जो है इसमें बूट स्पेस भी बढ़ चुका है। 338 लीटर का जो है वो बूट स्पेस हो चुका है, बेस्ट इन सेगमेंट है। और महिंद्रा कह रहा है इसकी बेस्ट इन सेगमेंट जो है वो रेंज भी। अगर हम अंदर से बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स नज़र आएंगे, हालांकि सेम है बिल्कुल XUV300 जितने, और कुछ फीचर्स जो है वो इसमें से मिसिंग भी कर दिए गए हैं, जैसे कि इसमें से ऑटोमेटिक ऑटोडिमिंग IRVM जो है वो हटा दिया गया है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग जो है वो भी हटा दिया गया है, और टच स्क्रीन जो है वो आपको सेम नज़र आएगी। और कुछ भी चेंज जो है वो नहीं है महिंद्रा की XUV400 में। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द वीक की बात करें तो वो है टाटा की तरफ से। टाटा ने टियागो का EV वर्जन का एक ट्रेलर जो है वो लॉन्च कर दिया और ये इंडिया की पहली ऐसी हैचबैक है जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ आई। अभी तक कोई भी जो है हैचबैक इलेक्ट्रिक वर्जन में नहीं आती थी और इसके जो पावर फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे टाटा टिगोर EV से। और बैटरी भी जो है सेम हमें उसमें नज़र आएगी, बस फर्क जो रहेगा वो रहेगा हैचबैक और सेडान का। प्राइसिंग जो है अभी उसकी नहीं आई है, ना ही उसके जो है इंटीरियर्स रिवील हुए हैं। सिर्फ जो है उसमें टाटा ने एक ट्रेलर लॉन्च किया है कि हाँ टियागो जो है एक इलेक्ट्रिक वर्जन में जल्दी आएगी। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलें तो वो है सिट्रॉन की तरफ से। सिट्रॉन ने अपना C5 एयरक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो बम्पर में काफ़ी हमें चेंज नज़र आया है, थोड़ा सा स्पोर्टियर दिखने लगा है। टेल लैंप्स जो है वो भी चेंज हुए हैं, थोड़े बहुत ब्लैक आउट उसमें टेंट दिया गया है। और हेडलाइट्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें जो है काफ़ी चेंज नज़र आया है। 2 DRLs नज़र आ रही हैं जो कि थ्रू आउट द रन कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ग्रिल के साथ वो कनेक्ट की गई हैं। अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर से भी काफ़ी चेंज हुआ है सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस में। 10-inch की स्क्रीन दी गई है और थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो भी किए गए हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग जो है वो इसकी ऑलमोस्ट रखी गई है 36.67 लाख रुपीज़। एक ही वेरिएंट आएगा, पहले 2 वेरिएंट आया थे, बेस वेरिएंट जो है वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सिट्रॉन की तरफ से। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ मूव करें, यानी कि नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द वीक की बात करें तो वो है MG की तरफ से। MG ने अपनी हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन का इंटीरियर जो है वो रिवील कर दिया और हेक्टर जो है जल्दी फेसलिफ्ट वर्जन के साथ इंडिया में आ जाएगी। अब काफ़ी ज़्यादा जो है लग्जरीनेस लग रही है MG के हेक्टर फेसलिफ्ट में, और न्यू एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो भी नज़र आ रही है, और न्यू 14 इंच की टच स्क्रीन जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारे नए फीचर्स भी हमें इसमें नज़र आ सकते हैं।
वही अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द वीक की तरफ बढ़ें तो वो है ह्यूंडई की तरफ से। ह्यूंडई ने अपने वेन्यू N9 का जो है लॉन्च कर दिया है और इसमें जो है दो वेरिएंट्स आएंगे जो कि शुरुआत होती है इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12.15 लाख रुपीज़ से। चेंजेस की बात करूँ तो इसके सस्पेंशंस में चेंजेस, स्पोर्टियर सस्पेंशंस दिए गए हैं, स्पोर्टियर स्टीयरिंग फीडबैक है तो इसलिए जो है आप कॉर्नरिंग उसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो सेम 1 लीटर वाला इंजन जो है इसमें दिया गया है जो कि ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता है 120 PS की पावर। वही अगर हम डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डिज़ाइन एलिमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, रेड स्टिचिंग्स दी गई हैं, रेड एलिमेंट्स दिए गए हैं बार। वही अगर हम अंदर से बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर हमें नज़र आता है और जहाँ जहाँ जगह जगह पे हमें जो है रेड एलिमेंट्स नज़र आएंगे। एसी के थ्रू आउट द एसी वेंट्स के आसपास जो है आपको रेड एलिमेंट्स नज़र आएंगे। स्टीयरिंग पे जो है स्टिचिंग की गई है रेड से और ऐसे छोटे छोटे जगह पे जो है आपको रेड एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही था, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड टिल देन ड्राइव सेफ।